हाँ जी बेटा, अब हम चलते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ। देखो जो बीच वाला जो चैप्टर था ना, उसमें एनाटॉमी थी प्लांट्स की, प्राइमरी ग्रोथ थी, सेकेंडरी ग्रोथ थी, वो पूरा का पूरा अभी एट प्रेजेंट रिमूव कर दिया गया है। स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एनिमल टिश्यूज जो अपने हमने 9th क्लास में पढ़े थे, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एपिथीलियल टिश्यू क्या होता है, अब ओनली एनिमल टिश्यू है। पहले तो जो कॉकरोच था उसकी कंप्लीट एनाटॉमी थी, तो जो कॉकरोच की एनाटॉमी है वो नहीं है, ओनली एनिमल टिश्यूज है। टिश्यू हमें पता है कि जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, केमिकल से होती है। जब केमिकल्स जुड़ते हैं वो किसको बनाते हैं, सेल को। सेल बनाती है टिश्यू को, और जो टिश्यू रहता है वो किसको बनाता है बेटा, ऑर्गन को। और ऑर्गन जो रहेगा वो बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाता है ऑर्गेनिज्म। कैसे, कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। इंटेग्यूमेंट जो कि हमारी स्किन होती है, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जब ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, यही होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम टिश्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन करेंगे, द ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, टिश्यू के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जो ये टिश्यू वर्ड है, एक फिजियोलॉजिस्ट थे बाइकेट, उनके थ्रू दिया गया था। टिश्यू की जो स्टडी होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। और जो मालपीजी है एक साइंटिस्ट, उनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम चार टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे। देखो यहाँ जब एलिमेंट्री को जब आप ओपन करोगे ना, ये काफी एक्सटेंड करके दे रखी है, मतलब बहुत ज्यादा। एक सिंपल सा बताती हूँ जो कि हमें करना है, जो हमारे कॉम्पिटिशन में आता है। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को उठाना, एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उसका थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंड करना और उसको मेमोराइज कर लेना। एपिथीलियल टिश्यू टाइप, हमें पता है कि कई टाइप की एपिथीलियल रहती है, फिर वो कहाँ कहाँ मिलती है, क्या उसका फंक्शन होता है, ठीक है। एपिथीलियल जो हमारी रहती है कहाँ कहाँ से बनती है, एक्टोडर्म से भी बनती है, एंडो से भी और मीजोडर्म से भी। एपिथीलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को सीक्रेट करना, रिप्रोडक्शन, अटैचमेंट करवाने में और सपोर्ट करने में। दूसरा आता है बेटा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि हम ब्लड वगैरह, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है, ये बनता है मीजोडर्म से। मसल्स, तीन टाइप की हम मसल्स पढ़ेंगे। हमें पता है हमारी बॉडी में तीन टाइप की मसल्स है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इसके अलावा हमारी कार्डियक मसल्स, ये भी मीजोडर्म से बनती है। और फाइनली हम पढ़ेंगे हमारा नर्वस सिस्टम जो कि है एक्टोडर्मल ओरिजिन। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, जब ये सारी की सारी चीजें आएंगी, सिर्फ एक एपिथीलियल टिश्यू नहीं आएगा, अदरवाइज ये मसल्स वाला चैप्टर भी है, नर्वस वाला भी है और कनेक्टिव वाला भी, लेकिन हम इसको यहाँ भी करेंगे ताकि ये चीज हमारे डबल याद हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। सिर्फ ये चार टिश्यूज पढ़ने हमें, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारी एपिथीलियल टिश्यू की। एपिथीलियम जो हमारी एपिडर्मिस होती है, वो एक या एक से ज्यादा लेयर की होती है। और जो ये वर्ड था एपिथीलियम, एक डच एनाटॉमिस्ट थे रेसेस, उन्होंने दिया था। अगर अब हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो ये जो टिश्यू रहता है बेटा, ये सिर्फ हमारी स्किन जो है वो एपिथीलियली तो है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं होती, इंटरनली भी, जहाँ भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हर जगह प्रोटेक्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, ये एपिथीलियल टिश्यू। ओरिजन हम पढ़ चुके कि ये कहाँ से बना था, बच्चे के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों से। यही है कि तीनों जर्म लेयर्स हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म इसको बनाती है, क्लियर। चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारी एपिथीलियल जो टिश्यू जो हम करेंगे आगे, पहले इसकी ये जन